हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूँ कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, हम बात कर रहे थे किंगडम एनिमेलिया की, यानी कि आप जंतु जगत के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले आपने जंतु जगत में क्या देखा है? आपने कहा कि जो जंतु जगत है, जो किंगडम एनिमेलिया है, उसे हमने अलग अलग फाइलम में डिवाइड किया है। अब यहाँ पर वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, उसके लिए हमने अपना पहला चैप्टर देखा था, जिसमें कि आपने पढ़ा होगा कि क्लासिफिकेशन क्यों हम कर रहे हैं, क्या आवश्यकता थी क्लासिफिकेशन की, और क्लासिफिकेशन के क्या क्या आपको जो क्रम है वो बताया गया है। ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ आपने वो जो चैप्टर है आपका पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन का, वो आपने पढ़ लिया होगा। क्योंकि अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप समझ नहीं पाएंगे क्लासिफिकेशन में आप क्या कर रहे हैं, क्यों क्लासिफिकेशन को कर रहे हैं। सिंपल सी बात इतनी है कि हमने कहा बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, एनिमल होते हैं, बहुत सारे अनगिनत एनिमल होते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ इमेजेस को देखें तो आपको अलग अलग प्रकार के एनिमल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब क्या हुआ कि हमें स्टडी करनी है हर एक एनिमल के बारे में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक एनिमल को लें और उसकी स्टडी करें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो जीव थे, जो एनिमल थे, उन्हें लिया, ऑब्जर्व किया, उनका एक एक ग्रुप हम बनाते चले गए। ठीक है, अब हमने कहा चाहे एक ग्रुप में 100 एनिमल हैं, या 1000 हैं, या लाख हैं, कितने भी एनिमल हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ एक एनिमल पे स्टडी करना था। एक एनिमल पे आपने स्टडी किया और उस पूरे ग्रुप की स्टडी आपने कर ली है, तो क्या हुआ, सिंपल हो गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीजों को, इजिली आप स्टडी कर सकते हैं जीवों के बारे में। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लासिफिकेशन को करते हैं, वर्गीकरण को करते हैं। अब हमने कहा था वर्गीकरण के आपके पास इकाई आती है, अलग अलग बेसिस आते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। आपने कहा कि जब हमने बात की थी यहाँ पे किंगडम एनिमेलिया की, हमने कहा किंगडम एनिमेलिया क्या है, मल्टी सेलुलर है, ये आप जानते हैं, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर है, लेकिन यहाँ पे दो ग्रुप की बात हमने की थी। हमने कहा था एक ग्रुप, दोनों ग्रुप यह मल्टी सेलुलर है, लेकिन एक ग्रुप ऐसा है कि उसमें सिर्फ सेल स्टेज पाई जा रही है, दूसरा ग्रुप ऐसा है कि उसमें टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम सारे पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये बात हम कर चुके थे। आपको ये बात समझनी जरूरी है कि आपने कहा किंगडम एनिमेलिया है तो यहाँ पर मल्टी सेलुलर, ठीक है तो यहाँ पे कैसा मल्टी सेलुलर, है तो मल्टी सेलुलर, लेकिन कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। दो प्रकार का कैसे, आपने कहा एक ग्रुप में यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है, जो बॉडी की बनावट है, जो यहाँ पर शरीर की संरचना है, उसमें कोशिकीय स्तर है, जिसे आपने क्या कहा, सेलुलर लेवल कहा। एक तो आपको सेलुलर लेवल दिखाई दिया, ठीक है, कि कुछ ऐसे जीव थे वो है तो मल्टी सेलुलर, यानी कि उनकी बॉडी में एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जा रही हैं, लेकिन ऊतक नहीं बने हैं, अंग नहीं बने हैं। ठीक है, दूसरा ग्रुप आपने क्या कहा, आपने कहा इसमें टिश्यू भी बन रहे हैं, इसमें आपने कहा इसमें टिश्यू भी बन रहे हैं, इसमें क्या बन रहे हैं, ऑर्गन भी बन रहे हैं, इसमें ऑर्गन सिस्टम भी बन रहे हैं। अलग अलग एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं, ये हम बात कर रहे थे किसकी, क्लासिफिकेशन के बेसिस की। ठीक है, अब आपने कहा ऑर्गन सिस्टम आपके पास आते हैं, आपके पास क्या आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, कि आपका जो ब्लड है वो किस प्रकार से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आपने कहा कि हमारा जो ब्लड है वो एक, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें, हमने कहा हमारा जो ब्लड है वो ट्यूब के माध्यम से फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी हमारा ब्लड फैल जा रहा है, पाइपलाइन बनी हुई है, जिसे आप आर्टरी कह रहे हैं, जिसे आप वेन कह रहे हैं, और कैपिलरीज कह रहे हैं, क्या है ये, पाइपलाइन सिस्टम है हमारी बॉडी में। वही कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, ऐसी पाइपलाइन सिस्टम नहीं पाया जाता है। और ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑर्गन पानी, जो ब्लड है, ब्लड से घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, ये बात आपको बताई जा रही है। जैसे कि आपने क्या कहा, जब आपने बात की थी यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो आपने क्या बात की थी, आपने कहा कि ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, हार्ट ने क्या किया, यहाँ से ब्लड को पंप किया, और यहाँ पे क्या हो गई है, अलग अलग, यहाँ पे क्या हो गए हैं, अलग अलग ऑर्गन आ गए हैं। ठीक है, ये ऑर्गन है, ये अलग अलग ऑर्गन है। अब ब्लड ऑर्गन में आया, यहाँ पे क्या दी, ऑक्सीजन इन्हें दी, और इनसे क्या ली, CO2 ली, CO2 ली, तो आपने क्या कहा कि अब यहाँ से क्या हो गए हैं, ये
प्रकार से बाहर निकल जाता है और फिर से आपके हार्ट में आ जाता है। यही हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई दे रही है, ये है आपके आर्टरीज, ये है आपकी वेन और ये है आपकी कैपिलरीज, ठीक है। ये आपकी कैपिलरीज है। ये आपने क्या कहा कि हमारे ऑर्गन में ब्लड जा रहा है लेकिन पाइप सिस्टम यहाँ पे है, पाइपलाइन सिस्टम आपके पास है, तो आपकी जो ऑर्गन है वो ब्लड से कहीं भी ऐसे इस प्रकार से भीगे हुए नहीं है। वही आपने क्या कहा कि यहाँ पे क्या है, हार्ट है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ये क्या है, ऑर्गन है। तो ये जो ब्लड है ये पूरा क्या करेगा, इस ऑर्गन को क्या करेगा, कवर करेगा, या पूरे ऑर्गन को क्या करेगा, कवर करके यहाँ से फ्लो होकर के फिर से वापस यहाँ पे चला जा रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये कि यहाँ पे क्या है, आपने कहा कि जो ऑर्गन है वो चारों तरफ से ब्लड से भीगा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पर फ्लो कर रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ब्लड है वो कहीं भी बह जा रहा है, इसे आप क्या कहते हैं, आप इसे कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने बात की, आपने कहा कि यहाँ पे जर्म लेयर आती हैं, ठीक है, जर्म लेयर जो आपके पास आती हैं, जो आपके पास जर्म लेयर आती हैं, तो आपने कहा जर्म लेयर क्या होती हैं, जब यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना यहाँ पे, आपने कहा यहाँ पे बना जाइगोट। अब जाइगोट क्या एक सिंगल सेल है, आपने क्या कहा कि जाइगोट एक सिंगल सेल है, अब इस सेल में क्या होंगे, डिवीजन होंगे, इस प्रकार से डिवीजन होंगे और यहाँ पे क्या बनेंगी, बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। अब जब सेल्स बनी तो यहाँ पे क्या होती है, तीन लेयर बनने लगती है, ठीक है। सिंपली आपने कहा यहाँ पे तीन लेयर बन रही है, इस प्रकार से एक लेयर ये हो गई है अलग अलग कलर में अगर आप दिखाएंगे, दूसरी लेयर आपने कहा ये हो गई है, ठीक है, और तीसरी लेयर आपने कहा ये हो गई है। अब आपने सिंपली इन्हें कह दिया है कि ये क्या है, जर्म लेयर है, इन्हीं से क्या बनते हैं, आपके टिश्यूज यहाँ पर बन रहे हैं, तीन जर्म लेयर आती हैं। आपने कहा सबसे बाहर जो है उसे आपने क्या कहा, एक्टोडर्म कहा, ठीक है, इसे आपने क्या कहा, आपने कहा कि सबसे बाहर जो आपके पास होती है उसे आप क्या कहेंगे, एक्टोडर्म कहेंगे, ठीक है। ये आपके पास आती है मीजोडर्म, ठीक है, और ये आपके पास आती है एंडोडर्म। अब ये जो लेयर है ये इस प्रकार से फोल्ड हो जाती है, समझ में आपने कहा ये इस प्रकार से फोल्ड हो गई है, इस प्रकार से फोल्ड हो गई है, तो आपने कहा सबसे अंदर ये वाली लेयर है, सबसे बाहर ये वाली लेयर है और बीच में ये वाली लेयर है, समझ ले, जर्म लेयर इस प्रकार से थी, इस प्रकार से है जर्म लेयर, इस प्रकार से अगर आप कहेंगे। अब ये जर्म लेयर इस प्रकार से फोल्ड हो गई है, आपने उठाया इस प्रकार से गट्ठा उठाया और इस प्रकार से आपने फोल्ड कर दिया है, कुछ ऐसे ही कंडीशन आती है वहां पर। अब तीन लेयर हमारे पास आ गई हैं, हमने कहा दो प्रकार के जीव आते हैं, डिप्लोब्लास्टिक जिनमें दो जर्म लेयर पाई जा रही हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनमें तीनों ही लेयर पाई जा रही हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपने क्या कहा, जिसमें तीनों लेयर पाई जा रही है उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे और जिनमें दो लेयर पाई जा रही है उन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, तो यहाँ पे कौन सी लेयर हटेगी, आपने कहा जो बीच वाली लेयर है ये हट जाएगी, जो डिप्लोब्लास्टिक होंगे उनमें बीच वाली लेयर नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो आपने क्या कहा, ये आपने कहा कि जर्म लेयर के अकॉर्डिंग आपने देखा कितने प्रकार के जीव होते हैं। अब हमने कहा सिमेट्री के आधार पर, सिमेट्री के आधार पर हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि हमारी बॉडी का एक शेप है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर है, आपने कहा कि अगर आप अपनी बॉडी को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं तो आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, कल हमने बात की थी, हमने कहा था हाँ अगर हम बीचों बीच से अपनी बॉडी को दो भागों में डिवाइड करते हैं तो दो इक्वल पार्ट आपके पास आते हैं, राइट और लेफ्ट, ठीक है, दो इक्वल पार्ट आते हैं। लेकिन हमने क्या कहा, सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन है जिससे कि हम अपनी बॉडी को दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं, वो आपका सेंटर वाला पोर्शन है। तो हमने क्या कहा कि हमने सिमेट्री तो पाई जा रही है लेकिन एक ही प्लेन से पाई जा रही है, एक ही प्लेन से आप क्या कर सकते हैं, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो सिमेट्री क्या होती है, बेसिकली सिमेट्री क्या होती है, आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे सिमेट्री होती है। तो हमारे पास एक निश्चित शेप है। सिमेट्री में क्या होता है कि जो यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलप जीव नहीं रहते हैं या जो मूव नहीं कर पाते हैं उनमें जो सिमेट्री है उनके जो ऑर्गन्स है वो क्या होते हैं, वेल अरेंज्ड नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप रेडियल सिमेट्री के बारे में आपने बात की, आपने कहा किसी भी प्लेन से आप काट दीजिए टू इक्वल हाफ में कट जाएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आपके पास स्टारफिश आया था, आपने कहा था कहीं से भी काटिए
और आपको क्या मिलेंगे, बराबर भाग ही मिलेंगे। बायलेटरल सिमेट्री में हमने पढ़ा था कि सिर्फ यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री में सिर्फ एक ही प्लेन से आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने कहा कि जो वहां पर क्या थे, जिनका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, उनमें क्या पाया जा रहा था, किसी किसी में एसिमेट्री भी पाई जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल आपके पास पॉरीफेरा आएगा, ठीक है। अब आपने रेडियल सिमेट्री उनमें कही जिनमें आपने कहा कि वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थे या वो स्थिर थे, वो मूव नहीं कर पा रहे थे। जब मूव नहीं कर पा रहे थे तो उनके सेंस ऑर्गन चारों तरफ थे, ठीक है। जैसे कि आप अगर हाइड्रा का एग्जाम्पल लेंगे, आपने कहा कि जो चारों तरफ उनके क्या सेंस ऑर्गन लगे, जैसे जैसे जो एनिमल है वो डेवलप हुए, उनके सेंस ऑर्गन कहाँ पे गए, जिस साइड से उन्हें आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। अगर आपने कहा कि इस साइड की ओर आगे को बढ़ना है, तो सेंस ऑर्गन क्या हुए, इसी साइड में सारे सेंस ऑर्गन लग गए हैं। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन सारे आगे लगे, आपकी आंखें हैं, आपके कान हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेंस ऑर्गन जब एक साइड में वेल अरेंज्ड हो गए हैं, तब बायलेटरल सिमेट्री हमारे पास आ जाती है। तो सबसे प्रिमिटिव में क्या पाई जाएगी, आपने कहा एसिमेट्री पाई जाएगी, कोई सिमेट्री ही नहीं पाई जा रही है। उनसे थोड़ा डेवलप हुए तो आपने कहा रेडियल सिमेट्री देखेंगे, और सबसे ज्यादा डेवलप होंगे तो आपको बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने सीलोम की बात की थी। अब सीलोम की बात क्या कर लेते हैं, सीलोम जिसे आपने क्या कहा, बॉडी कैविटी कहते हैं, बॉडी कैविटी की बात हम करेंगे। अब जब हम फाइलम स्टार्ट कर रहे हैं, तब हम यहाँ पे बॉडी कैविटी की भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, और हमने स्टार्ट कर दिया था अपना किंगडम एनिमेलिया का पहला जो फाइलम हमारे पास आता है पॉलीफेरा, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि सीलोम का क्या मतलब होता है, ठीक है, बॉडी कैविटी का क्या मतलब होता है, बॉडी कैविटी के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये आपकी बॉडी, ठीक है, ये बॉडी है। अब हमने कहा कि इस बॉडी में यहाँ पे आपका क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। सिंपल था, आप एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर में बता देते हैं, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल है। और ये आपकी क्या है, बॉडी है। ये बॉडी का क्या है, आउटर पार्ट है आपका, ये बॉडी का आउटर पार्ट है। अब हमने कहा जो आपकी बॉडी है और जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, इसके बीच में क्या है, स्पेस है। क्या है इसके बीच में, ये पूरा आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी को आप क्या कह रहे हैं, बॉडी कैविटी कह रहे हैं, ये सीलोम कह रहे हैं। अब ध्यान रखिए, एक तो होता है एसीलोमेट जिसमें सीलोम नहीं पाया जा रहा है या जिसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जा रही है, ठीक है। और एक होता है सीलोमेट की जिसमें क्या पाया जा रहा है, सीलोम पाया जा रहा है, बॉडी कैविटी पाई जा रही है। जैसे कि आपने कहा जो ह्यूमन बींग है उनमें क्या है, बॉडी कैविटी पाई जा रही है, ठीक है, जो ह्यूमन बींग है उनमें बॉडी कैविटी पाई जा रही है। लेकिन एक और शब्द हमारे पास आता है स्यूडोसीलोम, ठीक है। स्यूडोसीलोम की हमने बात की थी, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपके पास स्यूडोसीलोमेट भी आया था। तो क्या होता है स्यूडोसीलोमेट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने तीन जामलिया के बारे में बात की है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिसमें वास्तविक जो बॉडी कैविटी होती है, उसमें क्या होता है कि यहाँ से जो मेसोडर्म है, वो यहाँ से भी क्या करता है, बॉडी को कवर करेगा, ठीक है, यहाँ से भी करेगा, और जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है उसे भी यहाँ से कवर करेगा। समझ में आप लोग क्या हुआ, मेसोडर्म ने क्या किया, मेसोडर्म ने बॉडी को भी कवर किया है और जो एलिमेंट्री कैनाल थी उसे भी कवर किया है, ठीक है। जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, क्या वो आपके पास आता है, आपने कहा ये है मेसोडर्म। तो जिस भी जीव की बॉडी में क्या होगा, यहाँ पर बॉडी कैविटी पाई जा रही है, और बॉडी कैविटी दोनों साइड से किससे कवर है, मेसोडर्म से है, यानी बॉडी भी मेसोडर्म से कवर है और आपकी एलिमेंट्री कैनाल भी, ध्यान दीजिए एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल दोनों साइड से मेसोडर्म से कवर है, आपकी बॉडी भी क्या है, मेसोडर्म से कवर है। इस प्रकार की कैविटी आपकी होती है ट्रू सीलोम जिसे आप कहते हैं, ठीक है। अगर किसी जीव में जो आपकी बॉडी है और एलिमेंट्री कैनाल है वो यहाँ पर मेसोडर्म से कवर नहीं होती है, उसे कहते हैं स्यूडोसीलोमेट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये आपको जानना जरूरी था, क्योंकि अब हम बात करेंगे, हम सीधे कहेंगे कि इसमें क्या जो
सीलोम है वो प्रेजेंट है या नहीं है, किस प्रकार का स्यूडोसीलोमेट है या सीलोमेट है या एसीलोमेट है, ठीक है। अब आप लोग कोई भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं पॉरीफेरा की, ठीक है। पॉरीफेरा फाइलम इनका जो कॉमन नेम है ये है स्पॉन्जेस, ठीक है। स्पॉन्ज इन्हें कहते हैं, आपने स्पॉन्ज यूज किया होगा बहुत सारी जगहों में, जैसे आपने कहा कि जो यहाँ पर गाड़ियां होती हैं उनकी शीट में स्पॉन्ज होता है, ठीक है। बहुत सारी जगहों में आप स्पॉन्ज यूज करते हैं, जैसे कि आपको कोई चीज सोखनी है तो आप स्पॉन्ज का यूज करते हैं। ये सारे जो स्पॉन्ज होते हैं ये आर्टिफिशियल स्पॉन्ज होते हैं, जबकि बहुत टाइम पहले क्या किया जाता था, जो नेचुरल स्पॉन्जेस थे उनका यूज किया जाता था, कैसे, इन पॉरीफेरा का यूज करके। ये जो पॉरीफेरा थे इनके डेड बॉडी को एज अ स्पॉन्ज यूज किया जाता था, ठीक है। अब अगर हम कहें स्पॉन्जेस का, सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं, ये आपके पास स्पॉन्जेस के डायग्राम आते हैं, ठीक है। स्पॉन्जेस में हमने क्या कहा था, जो पॉरीफेरा होते हैं उनका नाम है पॉरीफेरा, यानी पोर्स। पोर्स का मतलब समझते हैं आप लोग। तो हमने क्या कहा, ये आपके पास एग्जाम्पल आते हैं किसके, पॉरीफेरा के। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में क्या दिखाया गया, साइकॉन है, ठीक है, यू स्पॉन्जिया है और स्पॉन्जिला है। एक तीन इमेज आपके पास ये हैं और एक आपके पास रियल इमेज आती है, जो कि रियल इमेज आपके पास ली गई है। आपने क्या नोटिस किया, सबसे पहले नोटिस कीजिए कि इनमें आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं क्या होते हैं, वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें आप क्या कह रहे हैं, पोर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या कहा, ऐसे एनिमल, ऐसे जीव जिनमें पोर्स पाया जा रहा है उन्हें आप क्या कहते हैं, पॉरीफेरा कहते हैं, जिनमें पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स का मतलब क्या होता है, छिद्र होता है, ठीक है। पोर्स का मतलब क्या होता है, छिद्र होता है। ऐसे जीव जिनमें पोर्स पाए जा रहे हैं उन्हें आप कहते हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरा हमारा सबसे सिंपलेस्ट फाइलम है जीवों का। कहाँ पाए जाते हैं, आपने कहा एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय। आपने ये शब्द क्या करने हैं, ध्यान देने हैं, पारिभाषिक शब्द होते हैं। एक्वेटिक का मतलब जब भी आप कहेंगे इसका मतलब होता है जलीय। अब मेनली कहाँ पे रहते हैं, आपने फ्रेश वाटर पढ़ा और मरीन वाटर पढ़ा, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, एक तो क्या होता है कि जो फ्रेश वाटर होता है, शुद्ध पानी होता है जिसे आप कहते हैं, एक होता है मरीन जिसे आप लवणीय कहते हैं, यानी कि ऐसा पानी जिसमें सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि लवण की मात्रा ज्यादा होती है। तो यहाँ पर पॉरीफेरा कैसे हैं, मेनली मरीन होते हैं, लेकिन कुछ कुछ कैसे भी आपको मिलेंगे, फ्रेश वाटर भी कुछ कुछ आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर पॉरीफेरा का, अगर आपने पॉरीफेरा का स्ट्रक्चर देखा तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपने देखा, ठीक है, इस प्रकार से है, और ये के हैं अपने यहाँ से अटैच होते हैं इस प्रकार से, और आपने क्या देखे, पोर्स देखे हैं, ठीक है, पोर्स देखे हैं आपने। सिंपली यहाँ पे एक मैकेनिज्म होती है, ये कहाँ पे रहते हैं, पानी में रहते हैं, इतनी बात आपको पता है कि ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं, पूरा पानी में पाए जा रहे हैं। अब आपको एक लाइन आपने कल पढ़ी थी कि क्या होता है, इनमें ये भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर इनमें एक्सक्रीशन हो रहा है, ये सिंपली क्या होता है, पानी के द्वारा होता है। कैसे होता है, क्योंकि पानी इन पोर्स के द्वारा अंदर आता है, ठीक है, अंदर आएगा तो अपने साथ भोजन लेके आएगा, ठीक है, जो भी इनका, अब ये जल में रहते हैं तो इनका भोजन भी जल में ही होगा। तो जैसे जैसे पानी ने अंदर की ओर मूव किया, अपने साथ भोजन लेके आया, और यहाँ से ये जो आपको सबसे ऊपर वाला बड़ा सा आपको छेद दिखाई दे रहा है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ से बाहर जब निकलेगा तो वेस्ट मटेरियल लेकर भी निकलेगा, ठीक है। सिंपल सी एक प्रोसेस होती है जिसमें आपको ये बताया गया है कि पानी के द्वारा किस प्रकार से भोजन को ग्रहण किया, गैसेस एक्सचेंज भी कुछ इसी प्रकार से होंगे यहाँ पे, और एक्सक्रीशन यहाँ पे हो गया जैसे पानी बाहर निकला, यानी पानी यहाँ से अंदर आया और यहाँ से बाहर निकला, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे किसका, पॉरीफेरा का, तो आपके पास क्या क्या चीजें आएंगी, ध्यान दीजिए, ठीक है। डिटेल स्ट्रक्चर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको फिर सारी चीजें समझ आने लगेंगी। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है किसमें, पॉरीफेरा में, ठीक है। अब ये जो आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहते हैं पिनाकोसाइट। क्या कहेंगे इन्हें, इन्हें कहेंगे पिनाकोसाइट।
ठीक है, यानी कि पूरी जो सेल्स आपके पास आई हैं ये होंगी पिनेकोसाइट, और पिनेकोसाइट से आपके पास क्या मिलकर के बनेगा, आपने कहा पिनेकोडर्म, पूरी जो लेयर आपके पास आ रही है उसे आप कहेंगे पिनेकोडर्म, पूरी लेयर को आपने क्या कहा, पिनेकोडर्म कहा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आपने कहा कि जो स्पॉन्जेस हैं वो पिनेकोसाइट से मिलकर के यहाँ पे इस प्रकार से बने हुए हैं, और ये जो पूरी लेयर आपके पास आई है वो आपके पास आते हैं पिनेकोडर्म, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे आपने कहा कि ये जो आपको दिख रहे, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहीं से क्या बनते हैं, पोर्स बनते हैं, यहीं से क्या बनेंगे, पोर्स बनेंगे, ये जो आपको दिख रहा है यही पोर्स हैं, और इन्हीं पोर्स से क्या होगा, पानी एंटर करता है, ठीक है, ये जो पोर्स है इन्हीं पोर्स से पानी एंटर करेगा और इसे आप क्या कहेंगे, पोरोसाइट कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे इन्हें, पोरोसाइट कहेंगे, कुछ नहीं हुआ। आपने कहा कि यहाँ पे इस प्रकार की जो सेल थी इसे आपने कहा पिनेकोसाइट कहा, इन पूरी सेल को, इस पूरे अरेंजमेंट को आपने क्या कहा, पिनेकोडर्म कहा है, और यहाँ पे आपने कहा यहाँ पे पोर्स पाए जा रहे हैं, कौन से पोर्स, जिनसे आपने कहा कि पानी अंदर एंटर हो रहा है, इसे आप कहते हैं पोरोसाइट। ये तो हुई एक बात, ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे क्या आती है, कुछ और सेल्स आती हैं, यहाँ पे कुछ और सेल्स आती हैं इस प्रकार से, इनमें क्या आता है, इस प्रकार से, इन्हें आप कहते हैं गैस्ट्रोडर्म, इस पूरी लेयर को, यहां पर जो आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, यहां पर ये जो आपको पूरी लेयर दिखाई दे रही है इसे आप कहते हैं गैस्ट्रोडर्म, ठीक है। आपने सबसे पहले बाहर क्या देखा, आपने कहा पिनेकोसाइट होते हैं, पिनेकोसाइट के अंदर आपने क्या देखा, गैस्ट्रोडर्म देखा, जो किससे बने हुए हैं, क्वानोसाइट से बने होते हैं, तो एक को हम क्या कहेंगे, क्वानोसाइट कह सकते हैं, क्वानोसाइट क्या कहेंगे, क्वानोसाइट कहेंगे, और क्वानोसाइट की पूरी जो लेयर आपको दिख रही है उसे आप क्या कहेंगे, पूरी गैस्ट्रोडर्म कहेंगे, ठीक है, इन बहुत सारी जो क्वानोसाइट है उसे आप कहेंगे गैस्ट्रोडर्म कहेंगे। अब यहाँ पे पिनेकोसाइट और गैस्ट्रोडर्म के बीच में क्या होती है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जेली जैसा सब्सटेंस होता है इस प्रकार से, अब ये जो जेली जैसा सब्सटेंस होता है यहां पर आपको कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर मिलते हैं, और इन स्पेशल स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, स्पीक्यूल्स कहते हैं, ये जो स्पीक्यूल्स हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बने होते हैं या फिर ये सिलिका से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखिए आप लोग क्या करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें हमने नहीं डिस्कस की, हमने कहा कि क्या है जो यहाँ पर पॉरीफेरा थे, पॉरीफेरा किस चीज से मिलकर के बने थे हम ये बात कर रहे थे, हमने कहा कि यहाँ पे कुछ सेल्स होती है जिसे आप पिनेकोसाइट कहते हैं, जैसे कि हमारी जो सेल होती है, ठीक है, हम हमारी जो सेल होती है आप उसे कहते हैं एनिमल सेल कहते हैं, यहाँ पे ये सेल है पिनेकोसाइट, एक सेल, बहुत सारी सेल का ये पूरा जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ये पूरी लेयर जो आपको दिख रही है उसे आपने क्या कहा, आपने कहा इसे हम कहते हैं पिनेकोडर्म, ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे, पिनेकोडर्म कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपने कहा कि कुछ और सेल्स होती हैं जिसे आप क्वानोसाइट कहते हैं, क्वानोसाइट से मिलके बनी होती है पूरी एक लेयर, और उस पूरी एक लेयर को आपने क्या कहा, आपने कहा उसे कहेंगे हम गैस्ट्रोडर्म, ठीक है, पिनेकोसाइट से मिल करके जो लेयर बनी है उसे आपने कहा गैस्ट्रोडर्म, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब पिनेकोसाइट जो सेल थी और क्वानोसाइट जो सेल थी, ये आपके पास पिनेकोसाइट है और ये आपके पास क्वानोसाइट है, तो पिनेकोसाइट और क्वानोसाइट के बीच में एक जेल जैसा सब्सटेंस था, और उस जेल जैसे सब्सटेंस में क्या क्या चीजें थी, आपने कहा वहां पे स्पीक्यूल्स थे, ठीक है, क्या वहां पे था, स्पीक्यूल्स था, ये जो स्पीक्यूल्स है ये किससे मिलके बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, इसके अलावा यहाँ पे स्पॉन्जिंग फाइबर भी होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे धागीनुमा संरचना होती है जिसे आप कहते हैं स्पॉन्जिंग फाइबर, क्या कहेंगे, स्पॉन्जिंग फाइबर कहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, आपने क्या कहा,
जब आपने इमेज देखी यहाँ पर, अगर आप इमेज को देखेंगे, आपने कहा ये है क्या है, पॉरीफेरा है। ऐसी क्या चीज है कि इसे यहाँ पे पूरा खड़ा करके रख रही है, स्टेबल करके रख रही है, जैसे कि आपने साइकॉन यहाँ पर देखा है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो साइकॉन है ये खड़ा है। तो खड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, स्टिक्यूल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, स्टिक्यूल्स किससे मिलकर बने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बने हैं। स्पॉन्जिंग फाइबर प्लस स्टिक्यूल्स क्या बनाता है इनका, आपने कहा कि यहाँ पे स्पिक्यूल्स हो गया है और यहाँ पे स्पॉन्जिन फाइबर्स है, ये इनका एंडोस्केलेटन बनाता है, यानी कि आंतरिक कंकाल बनाता है। ठीक है, यानी कि पॉरीफेरा को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्या कहा सेसाइल है, यही हमने कहा था। हमने कहा था पॉरीफेरा सेसाइल है, सेसाइल का मतलब होता है कि अपने बॉटम से अटैच होते हैं, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। ये इतने सिंपल प्रकार के प्राणी हैं। अब आप अगर इमेज को देख रहे हैं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ये भी क्या है, जीव है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, हमें कुछ पेड़ जैसा दिख रहा है या हमें कुछ पत्थर जैसा दिख रहा है, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ये जीव है, लेकिन ये जीव है। कैसे है, नॉन मोटाइल है, सेसाइल है, क्योंकि अपने बॉटम से अटैच होते हैं। लेकिन कैसे खड़े रहते हैं, इन्हें स्ट्रेंथ कौन देता है, आपने कहा इनका जो एंडोडर्म है, एंडोडर्म किससे मिलकर के बना है, स्पिक्यूल प्लस स्पॉन्जिन फाइबर, आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन से पोर्शन आपके पास यहाँ पर आए हैं। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपने कहा कि आपने इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया, कुछ और स्ट्रक्चर यहाँ पर रह जाते हैं, जैसे कि हमने क्या बात की थी, हमने कहा कुछ इस प्रकार से, हमने कहा था कुछ इस प्रकार से, हमने कहा और यहाँ पर आप, यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, आपके पोर्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पोर्स पाए जा रहे हैं। अब इन पोर्स को आप क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं, क्या कहेंगे, ऑस्टिया कहेंगे। ठीक है, ऑस्टिया कहेंगे, जहाँ पे पानी एंटर हो रहा है, जहाँ पे आपको बॉडी कैविटी आप कह सकते हैं, यानी कि आपको बीच का स्थान दिख रहा है, उसे आप कहेंगे स्पॉन्जोसील। इसे आप कहेंगे स्पॉन्जोसील कहेंगे। ठीक है, और जहां से पानी निकल रहा है उसे आप क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं। ये कुछ पार्ट से जो आपको ध्यान रखने, आपने कहा कि जो पॉरीफेरा से वहां पे पानी एंटर जहां से हो रहा था, जो आपको दिख रहे हैं, उसे आपने ऑस्टिया कहा। जहां पे पानी एंटर हो रहा है, अंदर गया, उसे आपने स्पॉन्जोसील कहा, और जहां से पानी ने एग्जिट की, पानी बाहर निकला, उसे आपने ऑस्कुलम कहा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। चलिए अब पढ़ लेते हैं पॉरीफेरा के बारे में, क्या क्या फीचर्स आपको दिखाए गए हैं। ये तो आपने स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, ये आपने क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा। चलिए पढ़ लेते हैं, आपने कहा पॉरीफेरा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, कुछ कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, लेकिन मेनली कैसे होंगे, मरीन होंगे, मुख्यतः मरीन होंगे। यहाँ पे ए सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जा रही है, ठीक है, कोई सिमेट्री पाई ही नहीं जा रही है यहाँ पर। विद द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन था वो सेलुलर लेवल का था। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, फूड इनटेक, गैसेस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू द वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, पानी के द्वारा ही सारी चीजें हो रही है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने कहा वाटर एंटर थ्रू पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया, जिस पोर्स के द्वारा पानी क्या करेगा, एंटर करेगा, उसे आपने कहा ऑस्टिया, क्या कहेगा, ऑस्टिया, एंड गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। ठीक है, बाहर किसके द्वारा जाएगा, ऑस्कुलम के द्वारा जाएगा। पॉरीफेरा में जहां से पानी एंटर कर रहा है उसे आप ऑस्टिया कह रहे हैं, जहां से पानी एग्जिट हो रहा है उसे आपने क्या कहा, यहाँ पर ऑस्कुलम कहा। ठीक है, सेंट्रल कैविटी नोन एज स्पॉन्जोसील, क्या कहेंगे, सेंट्रल कैविटी को आप क्या कहेंगे, स्पॉन्जोसील कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपने कहा स्पॉन्जोसील इज लाइन बाय कॉलर सेल्स और कोनोसाइट्स। ठीक है, कॉलर सेल से क्या होती हैं, ये कवर होती हैं। आपको कहा गया है कि जो स्पॉन्जोसील होता है वो कॉलर सेल से यहाँ पर कवर होती हैं। लास्ट में आपको बताया गया इंटर सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। अब इंटर सेलुलर डाइजेशन क्या हुआ, सबसे पहले आएंगे हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे। आप पढ़ चुके हैं ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, क्या क्या होता है। आपने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात की है, किस प्रकार की आपने पढ़ी, आपने कहा इस प्रकार से आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, ये आपका क्या है, स्टमक है, ये आपका स्टमक है। ठीक है, ये आपकी क्या है, छोटी आंत है, इस प्रकार से कॉइल्ड होती है, और ये जो आपको सबसे बाहर दिख रही है
ये आपकी क्या है, बड़ी आंत है, यहाँ पे आपका एनस है। कुछ इस प्रकार का डायग्राम आप पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। अब यहाँ पर आपने क्या कहा, डाइजेशन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है, ठीक है। और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हुआ, आपने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हुआ, तब क्या हुआ, जो पाचित भोजन है वो कहाँ पे जाता है, ग्लूकोज में जाता है। वो कहाँ जाता है, हमने हमारी सेल में जाता है ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। हमारी सेल में कब जाएगा, ग्लूकोज के रूप में जाएगा। तो आप क्या समझे इस बात से, आप इस बात से ये समझे कि हमारी बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा है वो सेलुलर डाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। सेलुलर डाइजेशन यानी कि सेल्स में डाइजेशन नहीं हुआ है, डाइजेशन की प्रोसेस हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम में। और हमारी सेल में जो पाचित भोजन पहुंचा है वो ग्लूकोज के रूप में पहुंचा है, लेकिन जो पॉरीफेरा होते हैं उनमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं नो एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। यहाँ पे आप क्या ऐड कर सकते हैं, नो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट ही नहीं है। अब डाइजेशन कहाँ पे होगा, सेल्स में, यहाँ पर डाइजेशन पाया जाएगा। क्या क्या चीजें आपने पढ़ी है, ध्यान दीजिए। आपने कहा है कि जो फाइलम पॉरीफेरा है, जिसे आप क्या कहते हैं, इनका कॉमन नेम भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हर एक फाइलम का कॉमन नेम आएगा जिसे आपने याद रखना है। आपने कहा समुद्री संगठन के सेलुलर स्तर के साथ असममित होते हैं, भोजन का सेवन, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन जल परिवहन प्रणाली के माध्यम से होता है, पानी ऑस्टिया नामक छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करता है और ऑस्कुलम के माध्यम से केंद्रीय गुहा से बाहर निकल जाता है, जिसे आप स्पॉन्जोसील कहते हैं। स्पॉन्जोकोल नहीं होगा, स्पॉन्जोसील होगा, ठीक है। क्या होगा ये, स्पॉन्जोसील होगा। यह है स्पॉन्जोसील, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आपको कहा क्या है, स्पॉन्जोसील, ये क्या है, स्पॉन्जोसील कॉलर कोशिकाओं को ऑनोसाइट द्वारा पंक्तिबद्ध करते हैं और अंतः कोशिकीय पाचन यहाँ पर पाया जाता है। ये आपके पास आते हैं पॉरीफेरा के कुछ कैरेक्टर। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।